मैं नरेंद्र बेहरा, मेरा एज 40 साल है और मेरा क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट इन आर्ट्स। मेरे पिता का नाम वीर बेहरा है। मैं खुंटा गांव का, खुंटा ब्लॉक में डबक गांव का रहने वाला हूं। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये गांव आता है और ये उड़ीसा स्टेट में मयूरभंज जिला आता है। मैं इंटरमीडिएट करने के बाद ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, इसीलिए कोई नौकरी मिलने का कोई गुंजाइश नहीं था। इसलिए हमारे जो पुश्तैनी ज़मीन थी तो उसमें मैं खेती करने के लिए सोचा। 2002 से लेके कंटिन्यूस अभी 10 साल हो गया है मैं फसल, विभिन्न तरीके से फसल कर रहा हूँ, धान और ये वेजिटेबल। 25 साल से मैं मक्का के खेती कर रहा हूँ और मैं कृषि विज्ञान केंद्र और ब्लॉक लेवल पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वहाँ पर मैं ट्रेनिंग लिया हूँ मक्के के बारे में और धान के बारे में, SRI टेक्नोलॉजी के बारे में और लाइव स्टॉक के बारे में ट्रेनिंग लिया हूँ। और ब्लॉक के थ्रू मुझे कृषक साथी या फार्मर्स फ्रेंड करके मुझे चुना गया है 5 साल पहले, और आज तक मैं वो कृषक साथी का भूमिका जो है ये ब्लॉक में निभा रहा हूँ मेरे ग्राम पंचायत में। इसका काम ये है कृषक साथी का कि मैं डिफरेंट फार्मर के पास जाऊँ, उनका प्रॉब्लम को देख के मैं आके कृषि अधिकारी उनके पास जाके उसका सोल्यूशन फिर लेके उनके पास जाके उसको एक्सटेंशन करूं। ये काम में मैं पिछले 5 साल से लगा हुआ हूं। मक्के का खेती के लिए मैं 5 साल पहले कृषि अधिकारियों से मिला और वो लोग मुझे ही पहली बार ये मक्का करने के लिए प्रोत्साहित किए। इसके लिए मुझे अकेला 2 एकड़ ज़मीन ही मेरा निकल रहा था इसके लिए, किंतु मैं बाहर, इसीलिए मैं बाहर से 10 एकड़ ज़मीन ला के लीज पे इस साल मक्के का खेती किया हूँ। और मैं देखा हूँ कि इससे प्रभावित होकर बहुत सारे मेरे कृषक भाई पास वाले गांव से और हमारे गांव से आके मेरे साथ जुड़े हैं, और इसीलिए हम लोग इस साल करीब करीब 50 एकड़ ज़मीन में मक्के का खेती कर रहे हैं। और इसके लिए हमें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है, अच्छे किस्म का बीज और उसके लिए खेती करने के लिए जो खाद उसको सब्सिडाइज्ड रेट में हमको मुहैया कराया जा रहा है, और टेक्निकल गाइडेंस हमको जिला कृषि अधिकारी और स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गण जो है वो हमको दे रहे हैं बराबर, और हमको भी कोशिश करके उनके पास जाना पड़ रहा है और हम जो है बराबर उनके संपर्क में हैं। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि हमारे कृषि में हर दिन उन्नति आ रहा है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल में हम लोग और भी अच्छा यहाँ पर करेंगे और मक्के का खेती को बहुत ज़्यादा इसका हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हम लोग 2-3 पंचायत में कर सकते हैं। ये अभी मेरे पास जो बैठे हैं ये मेरे पूरा परिवार हैं, इसमें मेरी धर्मपत्नी सेवती बेहरा, बड़ी बेटी, उसके बगल में बैठी है भैरवी, मझली बेटी पुष्पश्री और सबसे छोटी बेटी साइना। जो हम ये मक्के का खेती करने के लिए कुछ फार्म इम्प्लीमेंट्स खरीदे हैं, इसको गवर्नमेंट के तरफ से सब्सिडाइज रेट में हमको मिला है, और ये पावर वीडर जो है इसको 50% सब्सिडी में हमको मिला है, और 50% सब्सिडी में आस्पे कंपनी का नापसाप स्प्रेयर जो है मैं 2 खरीदा हूँ, पिछले साल ये इसको लाया हूँ, ये भी बहुत कम में 50% में हमको मिला है सब्सिडी में। ये जो ट्यूबुलर मेज सेलर है इसमें हम लोग मक्के को एक तरफ से डाल के
उसमें घुमाते हैं तो जो रिजेस है उसमें मक्के का बीज जो है निकल जाता है और उसका जो है अंदर का जो अनप्रोडक्टिव हिस्सा है वो निकल जाता है। मेरे पास टोटल 6 एकड़ ज़मीन है और मैं यहाँ 10 एकड़ ज़मीन लेके लीज पे उसमें मक्का किया हूँ। मक्के का हाइब्रिड जेके सुरभि गोल्ड मक्का हाइब्रिड वैरायटी किया हूँ इधर, और बाकी जो 2 एकड़ लैंड है मेरा गांव में वहाँ पर भी मैं मक्का किया हूँ यही वैरायटी, और बाकी 4 एकड़ मेरा जो ओन लैंड है उसमें मैं धान किया हूँ। ये जो पैच है आपका देख रहे हैं ये जून 24 तारीख 2012 में इसमें सोइंग किया था मैंने, जून 24 से लेके 27 तक मैंने सोइंग कंप्लीट किया था। अभी ये क्रॉप लगभग 2.5 महीना हो गया है, 75 दिन का अभी ग्रेन क्रॉप है, इसका बीज जो है सूखा के बेचना है इसलिए और 25 दिन से 30 दिन लगेगा ये क्रॉप को मैच्योर होने के लिए। बस जब हम स्टार्टिंग में मेज लगाते हैं तो वो हम रिजेस में लगाते हैं और ये मिट्टी बहुत हल्का मिट्टी है इसलिए ज़्यादा बारिश होने से हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। हम लोग ड्रेनेज चैनल भी किए हैं तो देखिए आप जैसे ड्रेनेज चैनल में पानी इतना बारिश हो रहा है फिर भी पानी जो है यहाँ पे नहीं रहता है, अगर 1-2 घंटा बारिश छूट भी जाता है तो पानी बिल्कुल खाली हो जाता है और ज़मीन सूखा हो जाता है। और बाकी रहा शुरू के वक्त अगर बीज बोते बोने के बाद अगर बारिश बहुत तेज़ हो गई या तो लगातार बारिश हुई तो हम लोगों को परेशानी होती है और हम लोग फिर से बाद में और एक बार अच्छा कंडीशन देख के और एक बार रिसोइंग करते हैं। बारिश में हम लोग रिजेस में मक्का लगाते हैं ताकि हम लोगों का मक्के का कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि जो इसका स्टेम रॉट होता है, स्टॉक रॉट होता है, ये डिजीज से हम लोग ये परेशानी से मुक्त रहता है क्रॉप। और बाकी जो है हम लोग जब करते हैं वीडिंग वगैरह तभी भी और मिट्टी हम लोग पौधे के जो निचले हिस्से में मिट्टी डालते हैं और रिजेस को स्ट्रेंथन करते हैं। हम लोगों का जो सॉइल टेस्ट हुआ था उसमें हम लोगों को अधिकारीगण बताए थे कि 3 चरणों में अपना खाद दिया जाएगा। जब हम बीज बोते वक्त हम लोग पहले DAP 40 किलो और पोटाश 13 किलो और यूरिया 17 किलो हम लोग एकड़ के हिसाब से बीज के नीचे दिए थे और उसके ऊपर 4 टन एकड़ के हिसाब से हम लोग FIM मैन्योर दिए हैं। और उसके बाद जब घुटने तक पौधा आया तब हम लोग 50 किलो यूरिया और 20 किलो पोटाश उसको दे के हम लोग फिर अर्थिंग अप किए। फिर बाद में जब मेल फ्लावर आ गया है तो 20 किलो यूरिया और 10 किलो पोटाश दिए हैं सेकंड टॉप ड्रेसिंग करके। और जब हमारे मिट्टी एसिडिक है तो इसीलिए अधिकारीगण हमको जिप्सम सब्सिडाइज रेट में मुहैया कराए, तो हम 1 क्विंटल जिप्सम हम 1 एकड़ के हिसाब से ज़मीन पे दे के हमारे सॉइल को जो एसिडिक जो है था उसको अच्छा क्रॉप कैसे होगा इसलिए हम लोग जिप्सम दिए। अभी आप जो मेरे मक्के का खेती देख रहे हैं इसमें कुछ भी डिजीज़ और कुछ भी कीड़ा वगैरह नहीं लगा है,
लेकिन पहले जब लगाया था तो कुछ स्टॉक रॉट डिजीज बोले थे मुझको जो स्पेशलिस्ट सर, उसके लिए हमें हमको बोला गया था कि बाविस्टिन और मैंकजु का छिड़काव किया जाए, तो उसमें हम लोग अच्छा रिजल्ट मिला था हमको और वो डिजीज़ जो है निकल गया था। फिर उसके बाद हमको कुछ स्टेम बोरर का इंसिडेंस कुछ लगा था, तो इसके लिए हम फ्यूराडन दो दो दाना जो है उसमें डाल दिए थे लीफ होल में, तो वो भी डिजीज़ कम हो गया पेस्ट का। और अभी जो है कुछ कुछ दिख रहा है लीफ का, लीफ स्पॉट और लीफ ब्लाइट दिख रहा है, लेकिन अभी और कुछ हम लोग स्प्रेइंग करने का अभी क्रॉप स्टेज में नहीं है, तो हम लोग और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ हमारा यील्ड के ऊपर असर डाल सकता है। हम जब बीज डाले थे बोए थे तब अट्राजिन हम लोग वीडिसाइड स्प्रे किए थे, उसके बाद हम लोग जब फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग किए तब मैनुअली हम लोग वीडिंग किए थे, और सेकेंड टाइम जब टॉप ड्रेसिंग किए थे तब भी हम लोग वीडिंग किए थे। मेरे पास एक पावर वीडर है और ज़रूरत पड़ने पर हमारे यहाँ लेबर से हम लोग मैकेनिकली और मैनुअली हम लोग दोनों तरह से हम लोग वीडिंग कर रहे हैं। सेकेंड टाइम जब फर्टिलाइज़र दिए थे उसके बाद ये घास जो निकला है इसको और उखाड़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये मक्के का जो है यील्ड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता अभी। अभी जो आप देख रहे हैं ये मक्का हम लोग डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लाए हैं, और ये किस्म है जेके हाइब्रिड सुरभि गोल्ड, और एकर को हम लोग 6 KG के हिसाब से एकर के, और हेक्टर को करीब करीब 15 किलो बीज हम लोग किए हैं, और पिछले 2 साल से हम लोग यही किस्म कर रहे हैं। हमारे इलाका में ज़्यादा सूखा नहीं पड़ता, और अगर 10 दिन तक अगर सूखा भी आ गया तो हमारे ये मक्के का खेती नष्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम दूसरा कोई खेती करते तो वो नष्ट हो जाता। हम लोग इधर जब 2 बार इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं तो सिर्फ हम लोग अपना ये वीड को निकालते हैं और फर्टिलाइज़र देके मिट्टी जो है पौधे के नीचे वाले हिस्से में वो मिट्टी दे देते हैं और रिजेस और थोड़ा स्ट्रांग बनाते हैं। और ये 2 बार होता है, जब एक बार हम लोग अपने घुटने तक पौधा आ जाता है तब एक बार करते हैं, और एक बार जब मेल फ्लावर आ जाता है तब एक बार करते हैं बस। अभी जो आप ये जो प्याज देख रहे हैं तो ये प्याज में कुछ नहीं होता है, और यहाँ के जो ट्राइबल पुअर फार्मर्स हैं उनके इच्छा शक्ति जो है इतना कम है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं इधर, और बैरन लैंड हो रहा है। यहाँ पर जो कुछ किए थे अपलैंड पैडी उसका भी यील्ड बहुत कम आ रहा था। यहाँ आप जो देख रहे हैं ज़्यादातर कैटल मेनास है, और हम लोग पिछले 5 साल से, मैं पहले ये मेज का खेती मक्के का खेती चास शुरू किया इधर, और अभी मुझे देख के करीब करीब 30 और 35 फार्मर यहाँ के मेरे साथ आके ये खेती यहाँ करीब करीब 50 एकड़ में अभी हो रहा है। और भी बहुत जगह हैं, लेकिन जो इसके मालिक हैं जो फार्मर्स उनका इच्छा शक्ति को हम लोग जागृत करना है, और यहाँ पर अगले साल और भी ज़्यादा एकरेज बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। पांच साल पहले ये ज़मीन बिल्कुल बंजर था, और जिला कृषि अधिकारियों के कहने से मैं सॉइल टेस्ट करके उनको वो मुझे बताए कि यहाँ मक्का हो सकता है, तो 5 साल से मैं यहाँ मक्का कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि ये ज़मीन में मक्का बहुत अच्छा हो सकता है और हो रहा है। इसके लिए मक्का
खेती के लिए मैं स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से तालीम लिया हूँ और मुझे सभी अधिकारीगण सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदे में मैं मक्का का खेती करके बहुत फ़ायदे में हूँ अभी। और अगले सालों में मैं ये भी कोशिश करूँगा कि और अच्छा ये फसल को ले जाऊँ और अच्छा करूँ ये खेती, मक्के का खेती, और अच्छा मुनाफा कमाऊँ। हम लोग मक्के को ऐसे हाथ से तोड़ के हम लोग हार्वेस्ट करते हैं और उसको बाद में उसका छिलका साफ करके उसको सुखा के हम लोग बेसिकली हाथ से छुड़ाते हैं लेडीज़ लोग, नहीं तो ट्यूबुलर मेस सेलर से छुड़ाते हैं, नहीं तो हम लोग पिछले साल थ्रेसर से, पावर थ्रेसर से कुछ मक्के को जो थ्रेसिंग किए थे, लेकिन इस साल हमारे पास हमारे ब्लॉक में 2-3 पावर थ्रेसर आ गया है और कस्टम हायरिंग करके हम लोग इसको अभी जितने भी किए हैं मक्का इसको पावर थ्रेसर में ही हम लोग इस साल थ्रेसिंग करेंगे। हम लोग पावर थ्रेसर में पिछले साल कुछ मक्के का थ्रेसिंग किए थे, इस साल पूरा का पूरा मक्का हमारा पावर थ्रेसर में थ्रेसिंग करने का योजना है। और इसमें क्या होता है कि 3-4 क्विंटल मक्का हम लोग मिल जाता है हमको एक घंटे में, जो कि सिर्फ 400-500 रुपया लागत में हो जाता है। और मैं ये योजना किया हूँ कि अगले साल मैं एक पावर थ्रेसर खरीदूँगा। जो हम लोगों का रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र डोज है उसको दे के हम लोग ये देख रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा क्रॉप हुआ है और मेरा एक्सपेक्टेड यील्ड कम से कम 15 क्विंटल एक एकड़ के हिसाब से होगा या तो फिर 40 क्विंटल तक आएगा हेक्टर के हिसाब से, लेकिन मेरे बाजू वाला जो है वो रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र डोज किसी वजह से किसी कारणवश नहीं दे पाया, इसलिए उसका हालत जो क्रॉप का, हालांकि हम लोग एक ही किस्म जेके सीड्स का सुरभि गोल्ड हम किस्म हाइब्रिड यूज़ किए थे, लेकिन उसका देखिए आप किस ना खस्ता हालत है वो क्रॉप का, मक्का बिल्कुल वो एक्सपेक्टेड 10 क्विंटल एक एकड़ का हिसाब से भी नहीं निकलेगा मुझे ये लग रहा है। और खाद नहीं देने के वजह से ये जो मक्के का खेती बहुत गंभीर रूप से प्रभाव इसके ऊपर आता है। इस साल हम लोग अच्छा मक्का हुआ है और अपना जो एनवायरनमेंट है और उसके हिसाब से और अपना जो एफर्ट दिया है उसके हिसाब से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल हमारा 12-15 क्विंटल तक यील्ड पर एकड़ हम लोग को मिल सकता है। ये वाला जो खेत है इससे तो 15 क्विंटल मुझे मिल ही जाएगा, मैं ये सोच रहा हूँ। और अभी आप जो देख रहे हैं मक्का बहुत अच्छा हुआ है और ये मक्का को देखते हुए हम लोग इस साल एक एकड़ में 15 क्विंटल तक हम लोग आशा करते हैं कि एक एकड़ में 15 क्विंटल हम लोग यील्ड आएगा हमारा। मयूरभंज ज़िले में ज़्यादातर लाइव स्टॉक और पोल्ट्री का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो लोग डेली रूटीन के हिसाब से इसका सेकेंडरी एग्रीकल्चर के हिसाब से इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो इसीलिए पोल्ट्री फीड और डायरी फीड के लिए बहुत सारे यूनिट यहाँ है। मक्का वो फीड फैक्ट्री के लिए यूनिट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है, तो इसीलिए मक्के का जो मार्केटिंग हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग 2000 से लेकर 2500 तक क्विंटल के हिसाब से हम लोग ग्रेन क्रॉप को बेच सकते हैं उस थ्रेसिंग करने के बाद, और लगातार ये रेट बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग जब स्टार्ट किए थे 5 साल पहले तो 1600 रुपया था, अभी तो ये 2000 से लेके 2500 तक क्विंटल हम लोग बेच पा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ बहुत सारे जो 50 एकड़ खेती कर रहे हैं तो इसके लिए रखवाली के लिए यहाँ पे गाय
और भैंसे और ये बकरे वगैरह आके खा लेते हैं हमारा। तो ये हम लोग एक फेंसिंग किए हैं हाथ से, और ये ऊपर का एक, इसको स्थानीय भाषा में हम लोग मंचा बोलते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास किए हैं, और इससे पूरा का पूरा हमारा खेती दिखाई पड़ता है इधर से, और कहाँ क्या हुआ है और ये है। तो इसके लिए हम लोग रखवाली के लिए इसको बनाए हैं। मैं एक अनुन्नत गांव से आया हूं, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरा गांव के लिए अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं था। मैं एक गरीब कृषक परिवार में पैदा हुआ, इसलिए बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन आज मेरे इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन के वजह से मैं मेरे पास जो भी साधन है उसको लेके आगे जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि गरीब बेरोजगार नौजवान लोगों नौकरी के पीछे ना दौड़ के गांव में खेती करें, विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करें। इसके प्रयोग से कृषि का उन्नति संभव है, और आज एक कृषक साथी होने की हैसियत से मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने साथ साथ अपने गांव और पंचायत के सभी बेरोजगार नौजवान भाइयों को कृषि के शिखर तक ले जाऊं। मेरा ये मैसेज सभी कृषक भाइयों को है कि वे सामूहिक रूप से कृषि करें, सबको सिखाएं, मिल के बढ़े, और ये युद्ध हमें जीतना है। कृषि के विकास में समाज और देश का विकास है। धन्यवाद। मेरा नाम किशुन हेमरम है, मैं नुआ गांव का रहने वाला हूं, और मैं इंटरमीडिएट किया हूं। पिछले 5 साल से मैं नरेंद्र बेहरा को देख रहा हूं कि वो मक्का का खेती कर रहा है और बहुत अच्छा कमा रहा है। इसलिए मैं पिछले 3 साल से उससे प्रेरित होकर अपने गांव में मक्का का खेती किया हूं। इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। पहले तो मैं अपने अपलैंड में पैडी का करता था, धान का खेती करता था, लेकिन उससे उतना फ़ायदा नहीं होता था। ज़्यादा रोग और कीट वगैरह लगते थे, तो हमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं आता था धान की खेती से। लेकिन मक्के का ज़्यादा फ़ायदा आ रहा है, और ये इसमें भी ज़्यादा रोग और कीट का प्रादुर्भाव ज़्यादा नहीं है, और लागत भी कम आता है इसमें से, और ज़्यादा हमको फ़ायदा होता है। Myself जगन्नाथ पात्र, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और जो कृषि विज्ञान केंद्र है मयूरभंज का, यहाँ पर मैं हेड करता हूँ। ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है मयूरभंज का, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। 26 यहाँ पर कम्युनिटी ब्लॉक है। ये डिस्ट्रिक्ट बहुत ही एक ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर अडॉप्शन रेट ट्राइबल का, और जो भी दूसरे फार्मर्स है उनका अडॉप्शन रेट बहुत कम है, वो टेक्नोलॉजी बहुत कम अडॉप्शन करते हैं यहाँ पर, इसलिए एग्रीकल्चर ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है। ये जो फार्मर्स मेरे साथ बैठा है, ये भी एक ऐसा एरिया में आया है वो जो बहुत इंटीरियर एरिया से है, वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ही कम है।
वहाँ पर हमने ऐसा किया है कि हमने कुछ इंटरवेंशन करने चाहा, इसीलिए कुछ एरिया में जो कुछ भी नहीं होता था, जो अपलैंड था, वहाँ पर मैच का डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया और साइंटिफिकली कैसे मैच करेंगे हाइब्रिड मैच का, इसीलिए हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। ये फार्मर्स एक प्रोग्रेसिव फार्मर है, वहाँ पर उनका उनका 7-8 acre का मेज एरिया है, वो थोड़ा बढ़ रहा है, वर्षों से वर्षों बढ़ रहा है, वो साइंटिफिकली मेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहाँ ये जो फार्मर साहब देख रहे हैं, ये बहुत ही एजुकेटेड फार्मर है और यंग फार्मर है। वो मेज के बारे में वो जो हम बताया था साइंटिफिकली करने के लिए ऐसा ही करके वो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। और ये अहम बात ये है कि इनका ये जो कर रहे हैं वो बहुत एडवर्स सिचुएशन में कर रहे हैं। देखिए जहाँ पर कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं होता था, वो मैच कर रही है, एक रेन वाटर एंड सॉयल कंजर्वेशन टेक्निक में आता है, वो सॉयल भी इरोड होने से बच जाता है। वो एक आप जैसे रहे कि वाटर शेड टेक्नोलॉजी में वो एरिया जाता है, वो एक्रीसाइड में एक्रीसाइड वाले एक वाटर शेड टेक्नोलॉजी वहाँ पर मॉडल वाटर शेड टेक्नोलॉजी कर रहे, वो जो आपका कंजर्वेशन वाटर और सॉयल का वो भी मैच में हो जाता है। उसके साथ भी उनका इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत आता है। देखिए वो 1 acre में 4,000 से 5,000 तक खर्चे करके वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा उनका प्रॉफिट हो जाता है। इसीलिए और दूसरे बात है मैच का भी यहाँ पर मार्केटेबिलिटी बहुत अच्छा है, मार्केटेबिलिटी अच्छा है। उन वो जो इनपुट है पोल्ट्री फीड का, यह डिस्ट्रिक्ट में पोल्ट्री बहुत ही पोटेंशियल है। हमारा बहुत ही पोल्ट्री पॉपुलेशन लाख पोल्ट्री पॉपुलेशन है। यहाँ पर पोल्ट्री फीड के लिए जो एक वेरी प्राइमरी इन्ग्रेडियंट है मैच, वो इसके लिए मैच भी बहुत ज़रूरत होता है। इसलिए मार्केटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ग्रीन कॉब का भी बहुत डिमांड है, इसलिए उनका इनकम भी बहुत बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा बात है कि वो KVK के गाइडलाइन से और कंसल्टेंसी से वो कर रहे हैं, वो सक्सेस भी हो रहा है।